हेलो दोस्तों, बिल्कुल नया वीडियो में आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है। तो आप जो बाइक देख रहे हैं ये बिल्कुल नया NS200 है, बिल्कुल नया इन सेंस ये एक अपडेट है NS200 को, जो एग्जिस्टिंग NS200 था, सिग्निफिकेंट अपडेट बोल सकते हैं। ये वाला जो NS200 आप देख रहे हो अपने सामने, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या अपडेट्स है, क्या क्या चेंजेस है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन दोनों कलर्स को देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है अपने पास एक व्हाइट कलर और ये एक शिमरी व्हाइट कलर है। बहुत सारे ऐसे चमकीले ऐसे चमक रहे हैं, पूरा मस्त दिख रहा है ये व्हाइट कलर। ऑल्दो अपना जो पुराना वाला व्हाइट कलर था जिसमें आपको फ्रेम और जो रिम्स थे वो भी व्हाइट कलर हुआ करते थे, ये थोड़ा बहुत सिमिलर है। बट अगेन के जो डिकाल्स है ये कम्प्लीटली न्यू है। ये जो पेंट फिनिश है ये भी कम्प्लीटली न्यू है। इवन फॉर द ब्लैक वन लुक्स डो, क्योंकि उसका जो पेंट फिनिश है वो ग्लॉस ब्लैक है और बहुत चमक रहा है दोस्तों। ये दोनों गाड़ियां बहुत ज्यादा चमक रही है। तो दो आपको नए कलर्स मिल जा रहे हैं, तो एक है व्हाइट और एक है ग्लॉस ब्लैक। तो आपको व्हाइट कलर का बता देता हूँ। तो डिकैल्स कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे आपको रेड कलर का एक स्ट्रिप मिलता है और NS का आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है। 200 जो है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है। एक सिल्वर कलर का आपको 200 का डिकैल मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और जो फ्रेम जो व्हील्स व्हाइट कलर के थे वो अभी ग्रे कलर के हो गए हैं। इनमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। ओवरऑल जो लुक एंड फिनिश है वो काफी अप मार्केट फील हो रहा है पहले से। ये वाला आप देखिए, ये वाला भी बहुत बढ़िया लग रहा है, क्रेजी। ये जो ग्लॉसनेस आप देख रहे हो ना, अगर आप इस बाइक को ठीक से मेंटेन करोगे ना, कमाल का दिखेगा ये। और कलर भी मस्त लग रहा है। तो ये है दो कलर्स NS200। अब दोस्तों बात करते हैं जो मेजर डिफरेंस है पुराने वाले NS और ये वाले NS में। आप देख सकते हो ये वाला जो NS है, ये जो इंटरनेशनल वर्जन का जो NS है, वो वाला NS आपको इंडिया में फाइनली मिल रहा है। तो इंटरनेशनली ये वाला वर्जन लॉन्च हुआ था जिसमें आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिल जा रहे थे। अब देख सकते हो अपसाइड डाउन फोक्स बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ये ऑल्दो 33 mm के आपको फोक्स मिल रहे हैं, बट जो आउटर डायमीटर है ये 48 mm का है। तो आपको ज्यादा स्टिफनेस मिलेगी, आप जब कॉर्नरिंग करोगे ना आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा ये अपसाइड डाउन फोक्स। और क्योंकि इनका जो कलर है, इनका भी ग्रे कलर दिया गया है, तो काफी बढ़िया जेल कर जाता है ओवरऑल बाइक के साथ और एक टबी फील जो है वो देता है बाइक को। तो ये आपका पहला चेंज है, वो है अपसाइड डाउन फोक्स मिल रहा है। फाइनली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अपसाइड डाउन फोक इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिए हैं और NS से ये स्टार्ट हुआ है। तो होपफुली जितने भी पल्सर्स होंगे फ्यूचर में वो सारे अपसाइड डाउन फोक के साथ ही आने वाले हैं, वो मैं सोच के रख रहा हूँ। बट या तो फाइनली अपसाइड डाउन फोक। और जो दूसरा मेजर चेंज है वो है इसके ब्रेक। तो आपको 300 mm के डिस्क ब्रेक मिल जा रहे हैं इस वाले बाइक में। और जो कैलिपर है वो कैलिपर जो है वो डिफरेंट है, ये ग्रेमेका का कैलिपर आपको मिल रहा है। ग्रेमेका जो है वो काफी बढ़िया कैलिपर्स बनाता है, तो यू शुड सी अ वेरी गुड टॉपिंग पावर विद दिस ब्रांड न्यू सेट ऑफ कैलिपर्स। और हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने एक टेस्ट राइड लिया छोटा सा और काफी बढ़िया बाइट जो है वो देता है ब्रेक। इसका जो तीसरा मेजर चेंज है वो है इसके रिम्स में। तो आप रिम्स जो देख रहे हो ना, तो ये रिम्स जो है वो पहले से कम वजन के है और ये ओवरऑल बाइक को जो है वो 3 kg हल्का कर देता है प्रीवियस जनरेशन NS200 से। तो आपको बेटर एजिलिटी दिखेगी, ये बहुत ही आसानी से कॉर्नर्स में बेंड हो जाएगा। और क्योंकि इसमें अपसाइड डाउन फोक्स आ गए हैं जिसके वजह से आपको कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस जो है वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा और ये पहले से ज्यादा ओटी बाइक जो है वो और बन जा रही है। ऑल्दो डायमेंशन वाइज और लुक वाइज ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। हाँ, कलर्स डिकैल, फिर आपको जो हेडलैम्प मिलता है वही वाले हेडलैम्प जो है वो आपको इस वाले वर्जन में भी मिलता है। कॉस्ट को कम रखने के लिए बेसिकली अगर आप LED इसमें जोड़ देते हैं या लेस दैट प्रोजेक्टर जोड़ देते हैं, तो इसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये NS अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी बढ़िया पैकेजिंग प्रोवाइड करता है अपने को, इसीलिए कॉस्ट को ठीक रखने के लिए बजाज ने ये वाला स्टेप जो है वो लिया है। और ओवरऑल जो हेडलैम्प सेटअप है, जो टर्न इंडिकेटर है, वो भी आपको रेगुलर बल्ब वाले ही मिल रहे हैं। अब बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो दिखने में ये काफी ज्यादा सिमिलर लगेगा आपको पहले वाले NS के जैसा ही आपको लगेगा, क्योंकि बजाज जो है वो चाहता नहीं है कि एक बाइक को जो है वो कम्प्लीटली ओवरऑल एक नया लुक देने को, क्योंकि ऑडियंस जो है वो उतना ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए बजाज अपने ओवरऑल एस्थेटिक को सिमिलर रख के इसमें फीचर्स भी ऐड करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें कुछ फीचर्स जो है वो ऐड हो चुके हैं, जैसे कि आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, फिर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाता है, फिर आपको रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, ये जो पूरे डिटेल्स जो आपको नए वाले पल्सर्स में मिलते हैं वो सारे फीचर्स जो है वो इस वाले पल्सर में भी आपको मिल जाएगा। और आपको जो स्क्रीन है उसी में आपको
बताया जाएगा कि क्या है इस पल्सर का रेंज। जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको डिजिटल वाले क्लस्टर में मिल जाएगा। बाकी टैकोमीटर तो आपको सेम ही मिलता है, बहुत बढ़िया लगता है जब अपन ड्रिफ्ट करते हैं ना टॉप तक। ये आपको डुअल चैनल एबीएस में मिल जा रहा है, और जिसका मतलब ये है कि आप बेटर ब्रेकिंग कर पाओगे। ज्यादा टफ सिचुएशंस में भी आपको जो ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस है वो आपको बेहतर प्रोवाइड करेगा डुअल चैनल एबीएस की वजह से, तो वो एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट हो जाता है इसके ऊपर। अब फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस है 1,47,000 रुपीज। एक शोरूम प्राइस के हिसाब से आपको जो बाइक मिल रही है वो काफी बेहतर बाइक मिल रही है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि थोड़े बहुत कमी है, बट वो कमियां भी आपको प्राइस पॉइंट कम रखने के लिए ही किया गया है। जैसे कि LED हेडलैम्प्स हो गया या LED इंडिकेटर्स हो गए। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये मास मार्केट को टारगेट करने वाली बाइक है, तो इसका जो कॉस्ट है उसको थोड़ा कम रखने के लिए और भी बेहतर लोगों को वैल्यू देने के लिए उन्होंने ये वाला डिसीशन लिया है। ऑल्दो ये बाइक तो बहुत ही कमाल की बाइक है फॉर द प्राइस दैट इज आस्किंग फॉर, क्योंकि आपको जो पावर मिलता है वो पावर आपको बिल्कुल अनचेंज है, बहुत ही बढ़िया पावर आउटपुट देती है, और ये बहुत ही ज्यादा टॉप रेविंग इंजन है, तो आप इसको बहुत रेव कर सकते हो अपने मन मुताबिक। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, ऐसे और भी ज्यादा वीडियोस मैं कराऊंगा।